नमस्कार आप सभी को पितृपक्ष की श्राद्ध पक्ष की शुभकामनाएं। अब आप कहोगे यार श्राद्ध पक्ष में तो कोई शुभकामना देता नहीं, बट भाई मैं तो देता हूं। क्यों? क्योंकि जो पितृपक्ष है ना, जो श्राद्ध पक्ष है, उनसे बड़ा कुछ होता ही नहीं। हमारे पितरों से बड़ा हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ हमें अपने पितरों से मिला है। पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, यश, शोहरत, जो कुछ भी हमारी लाइफ में है सब कुछ हमारे पितरों से है। तो इसलिए पितर जो है उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, और पितर है तो हम हैं, ठीक है ना। पितर रिप्रेजेंट करते हैं हमारी जड़ें। अब आज हम थोड़ा सा पितर पक्ष पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि एक्चुअली क्या है, शेड्यूल बहुत ही ज्यादा टाइट है और आज भी मैं ट्रैवलिंग में हूं, अकेला हूं, ट्रैवलिंग में हूं, और ट्रैवलिंग में ही ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि टाइम मिल ही नहीं पा रहा वीडियोस वगैरह पोस्ट करने का ना। तो मैंने कहा इस ट्रैवलिंग में है तो आज ही हम इस वीडियो को आपके लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा पितृपक्ष के ऊपर बात करें, श्राद्ध है क्या, पितृपक्ष है क्या। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा पितृपक्ष है, जो हमारा श्राद्ध पक्ष है, उसमें होता क्या है, बेसिकली स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक। पृथ्वी को कहते हैं मृत्यु लोक क्योंकि मृत्यु जो है उसका अनुभव केवल पृथ्वी पर ही हो सकता है, बाकी किसी लोक में मृत्यु होती नहीं क्योंकि आत्मा जो है वो तो अजर है, अमर है। तो जो अपना श्राद्ध पक्ष में बेसिकली क्या होता है, स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक के जो दरवाजे हैं वो आपस में खुल जाते हैं। मतलब कहा जाता है कि हमारे जो पितर हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो अब इस संसार में नहीं हैं, जो संसार से जा चुके, वो उनको उनके मतलब स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के दरवाजे आपस में खुल जाते हैं और हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं वो धरती पर आके हमारे आसपास होते हैं। मतलब अभी भी जैसे श्राद्ध पक्ष में ना, जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपके आसपास हैं, आपको देख रहे हैं और आपकी तरक्की देख के, आपका जीवन देख के खुश होते हैं। तो इसलिए जो श्राद्ध पक्ष है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है श्राद्ध के दिन। और इस दिन कहा जाता है कि आप जितना ज्यादा अपने पितरों का ध्यान करें उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पितर आपसे खुश होंगे ना तो आपकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। और जड़ें ही सब कुछ है, एक पेड़ है, अगर आप एक पेड़ को देखें तो आपको वो हरा भरा खिलखिलाता दिखाई देगा, उसमें आपको फल फ्रूट दिखाई देंगे, पत्तियां, फूल पत्तियां दिखाई देंगी, लेकिन उन सबका जो अस्तित्व है, जो लहलहाते खिलखिलाते फूल हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन सबका जो अस्तित्व है ना वो केवल और केवल उस पेड़ की जड़ों से है। अगर पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ खड़ा रहेगा, लेकिन अगर पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होंगी ना तो फिर वो पेड़ किसी काम का नहीं है। हल्का सा हवा का झोंका आएगा और वो पेड़ गिर जाएगा। तो पितर रिप्रेजेंट करते हैं हमारी रूट्स को, हमारी जड़ों को। वास्तुशास्त्र की अगर बात करें तो पितृ स्थान जो है वो आपकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। कहा जाता है कि अगर आपकी लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो, खाने को बढ़िया रोटी हो, पहनने को बढ़िया कपड़े हो, रहने के लिए छत हो, तो आप संसार की किसी भी चीज से फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका साउथ वेस्ट, अगर आपका पितृ स्थान वास्तु में ठीक है तो फिर आपको लाइफ में किसी चीज की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अब वास्तु की बात करें तो वास्तु में साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की जो डायरेक्शन है, दक्षिण और पश्चिम के एग्जैक्ट मध्य में जो दिशा है उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसको बोलते हैं, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ही पितृ स्थान भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन दिनों में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पितृ स्थान को मजबूत करना है। पितृ स्थान को मजबूत करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और अगर आपके घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जरा सा भी ग्रीन कलर होगा, हरा रंग होगा, तो वो आपके पितृ स्थान को डिस्टर्ब करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो सबसे पहले साउथ वेस्ट में से हरा रंग अगर है तो उसको रिमूव करें।
उसके बाद अगर साउथ वेस्ट में रेड कलर है तो उसको भी आपने रिमूव करना है। रेड कलर जो है वैसे अर्थ एलिमेंट का दुश्मन नहीं है, उसको क्रिएट करता है, लेकिन स्टिल रेड कलर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लमेटिक ही है। वो उसको बहुत ज्यादा एग्रोवेट कर देता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत ज्यादा भर जाती हैं। तो रेड कलर को भी आपने अवॉइड करना है, उसको वहां से हटाना है। उसके बाद साउथ वेस्ट में अगर आपके घर में टॉयलेट है या डस्टबिन है तो डस्टबिन को तो आप रिमूव कर सकते हो। साउथ वेस्ट के जस्ट बगल में, जस्ट उल्टे हाथ पे एक दिशा होती है साउथ साउथ वेस्ट, जिसको हम डिस्पोजल की डायरेक्शन बोलते हैं। कोशिश कीजिए कि डस्टबिन को आप डिस्पोजल की डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए, और अगर बाय चांस टॉयलेट है साउथ वेस्ट में और शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है तो साउथ वेस्ट के टॉयलेट सीट जो है उसके चारों तरफ आप येलो कलर की टेप लगा दो। एक अमेजोन से आपको 3-4 इंच येलो कलर की टेप मिल जाएगी, नहीं तो एक नंबर है आप नोट कर सकते हैं 7838692262, इनको कॉल करके भी आप येलो टेप ले सकते हो। तो जो टॉयलेट सीट है, कमोड है, उसके चारों तरफ आप लोग वो येलो कलर की जो टेप है वो आप बना दीजिए। एक यू बनाना है आपको, बेसिकली ना सी या यू, एक तरफ दीवार हो गई और टॉयलेट सीट के तीन साइड आपने जो येलो टेप है उसको आपने लगाना है, ठीक है। तो वो आप एक टेप लगा दो। उसके अलावा साउथ वेस्ट में किसी प्रकार का कूड़ा कबाड़ अगर है तो वो भी आपके पितृ स्थान को डिस्टर्ब करेगा, तो वो सारा कूड़ा कबाड़ आपने प्रॉपर क्लीन करना है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन की अच्छी तरह आपने साफ सफाई जो है वो करनी है, ठीक है। इसके बाद एक मेजर चीज जो आपके पितृ स्थान को या आपके पितरों को डिस्टर्ब करती है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो क्या है, आपके घर में लगी पितरों की फोटो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं आपके घर में पितरों की फोटो कौन कौन सी डायरेक्शन में इम्बैलेंस नहीं क्रिएट करती। जहां पे लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्शंस है एक साउथ की डायरेक्शन, दूसरा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में तो देखो पितरों की फोटो अगर आप लगा दो ना तो आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा टेंशन है तो पहली खत्म हो जाती है। पितर आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा टेंशन को तो पहली खत्म कर देते हैं अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में पितरों की फोटो लगी हुई हो तो, ठीक है। नहीं है तो आप कोशिश करके लगा दो। तो साउथ वेस्ट तो आइडियल जोन है ही पितरों की फोटो लगाने के लिए। उसके अलावा वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जो जोन्स है ना ये ओके हैं पितरों की फोटो लगाने के लिए। ये वाले जोन्स ठीक है, इन जोन्स में अगर फोटोज हैं, पितरों की फोटोज हैं तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके घर में साउथ साउथ वेस्ट यानी डिस्पोजल की डायरेक्शन में अगर बाय चांस पितरों की फोटो लगी हुई है तो वो एक बहुत बड़ा इंबैलेंस क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। होगा क्या, आपकी लाइफ की जितनी भी स्टेबिलिटी है ना वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो साउथ साउथ वेस्ट में से आपको पितरों की फोटो 100% केस में आपने रिमूव करनी है। उसके अलावा अगर आपके घर में नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर पितरों की फोटो है तो वो भी एक बहुत बड़ा इंबैलेंस है, क्योंकि पितरों की फोटो रिप्रेजेंट करती है अर्थ एलिमेंट को। तो अगर आपके घर में नॉर्थ में अगर पितरों की फोटो होगी तो अर्थ एलिमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, सॉरी अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, वाटर एलिमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अर्थ जो है वो वाटर को ब्लॉक करता है। उसके अलावा अगर ईस्टर्न साइड्स में आपके घर में पितरों की फोटो होगी तो ईस्ट क्या है, एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट क्या करता है, अर्थ एलिमेंट को काटता है, तो आपकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, आपकी स्टेबिलिटी बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर आपके घर में ईस्ट की डायरेक्शन में पितरों की फोटो लगी हो, तो वो आपको अवॉइड करना है। ईस्ट में से पितरों की फोटो वोटो आपने जो है वो हटानी है। उसके अलावा साउथ वेस्ट में पितरों की फोटो लगाइए। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट कटा हुआ है, वहां की एनर्जीज कम है, तो एक 0 वॉट का येलो बल्ब वहां पे ऐड कर दीजिए, या एक स्क्वायर पैटर्न में
जो एक चार्ट पेपर लीजिए येलो कलर का, उसको स्क्वायर पैटर्न में कट करके वो भी आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में उस चार्ट पेपर को इजीली लगा सकते हो, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पितर हैं इन दिनों में ना, एक और बड़ी मान्यता है कि जैसे आप जो भी इस संसार में दान करते हो ना, फूड का दान और किसी चीज का दान की मैं बात नहीं करूंगा, केवल रोटी का दान, केवल खाने का दान, केवल फूड का दान, तो अगर आप इन दिनों में किसी प्रकार का अन्न दान करते हो तो कहा जाता है कि उसका 10 गुना आपके पितरों को मिलता है इन दिनों में किया हुआ। वैसे तो आप जो भी अन्न दान करते हो वो आपके खाते में ऐड होता रहता है, आपके पितरों को वो अन्न मिलता है, लेकिन इन दिनों में किया हुआ दान ना 10 गुना 100 गुना मल्टीपल टाइम्स होके आपके पितरों को मिलता है। तो कोशिश करो कि जो आपके बाय चांस दादा दादी इस दुनिया में नहीं है या उनके एंसेस्टर्स इस दुनिया में नहीं है, तो कोशिश करो उनकी जो फेवरेट डिश होती थी ना, चाहे उनको कढ़ी चावल अच्छे लगते हो, चाहे उनको दाल चावल, जो उनकी फेवरेट डिश होती थी वो डिश जो है ना, वो जरूर इस पिन पितरों में आप लोगों को भंडारे लगाओ, दान करो उनके नाम के, अपने पितरों के नाम पे आप अन्न दान जरूर करो। और अभी 14 अक्टूबर को अमावस है, जिसको पितृ अमावस भी कहा जाता है, पितरों की अमावस जो इन पितृ स्थान में आती है, पितृ मतलब सॉरी इन दिनों में श्राद्ध पक्ष में जो आती है 14 अक्टूबर को अमावस, और 15 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हो ही रहे हैं, तो 14 अक्टूबर को अगर आप ये अन्नदान की डोनेशंस करते हो या अपने घर पे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अपने एंसेस्टर्स की फोटोज लगाते हो, साउथ वेस्ट को क्लीन करते हो ना, तो जो आपको पितरों का आशीर्वाद है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से प्राप्त होगा। और आप समझ लो कि 80% समस्या ना, अगर आप अपने अपने पितरों को बैलेंस कर लिया ना, पितृ स्थान को बैलेंस कर लिया, तो 80% समस्या तो वैसे ही आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये आप एक्टिविटीज इन श्राद्ध पक्षों में जरूर करें, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें और बस एंजॉय करें लाइफ को। धन्यवाद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।